हिना खान और शहीद शेख का नया सॉन्ग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और अगर बात की जाए सॉन्ग की तो यार ये शायद हो सकता है इसके पहले शहीद और हिना का एक सॉन्ग आया था, ये हो सकता है कि उसका एक सीक्वल पार्ट हो। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। अगर बात की जाए शहीद शेख की तो भाई ITV के सबसे मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी में से एक अकाउंट होते हैं, और जब भी अगर शहीद का कोई म्यूजिक वीडियो आता है तो हमेशा एक बोलते हैं ना कि ट्रेंडिंग लिस्ट में चला जाता है और एक अलग लेवल सेट करते हैं शहीद हमेशा अपने म्यूजिक वीडियो के द्वारा। और वहीं अगर बात करें हिना खान की तो भाई मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी एक्ट्रेस फीमेल की अगर बात की जाए तो उसमें उनका नाम आता है, उसमें काउंट किया जाता है। बीच में अभी काफ़ी समय से स्क्रीन से जो है लंबे हैं बहुत, मतलब ऐसा कुछ खासा कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर लाई नहीं है अभी तक। वो इंतज़ार उनका हो रहा है कि कोई एक मूवी है या फिर कोई एक शो ही उनका डेली शो जो है वो स्टार्ट हो। लेकिन अभी हाल ही में इनका एक म्यूज़िक वीडियो आया जिसका नाम है बरसात आई है। इसको श्रेया घोषाल ने गाया है और श्रेया घोषाल और शबनम ने इसके सिंगर, और जिस तरीके से इस गाने को बनाया गया ओवरऑल लोगों को सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो और भी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो जिस तरीके का शहीद और हिना का बॉन्ड है या फिर यू कह लो कि श्रेया घोषाल की जो वॉइस है वो सारी चीज़ें जो है टेक्चरी एंड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जनता भी इस गाने को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। गाने की जो ओवरऑल स्टोरी है वो अंदर अगर आप जैसे सॉन्ग शुरू होता है तो उसमें पहले तो हिना को जो है तस्वीरें दिखाई जा रही है दो तीन लड़कों की, देन अचानक से हिना जो है वो शहीद से टकराती है और तब उनकी नज़र जो है शहीद के ब्लेजर पे एक मैनेजर का टैग लगा होता है उस पर पड़ती है। उसके बाद शहीद जो है वो हिना और उनकी फैमिली को साइट सीइंग वगैरह करवाते रहते हैं। फिर जब उनकी हॉलीडे जब ख़त्म होता है और जब हिना जाने के लिए जब दोबारा कार में बैठती हैं तो कहीं ना कहीं शहीद और हिना का इमोशनल एक पार्ट दिखाया गया है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद हिना जो है दोबारा से दौड़ के आती हैं और शहीद भी दौड़ के आते हैं और गले मिलने के बाद सॉन्ग जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सॉन्ग लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने सॉन्ग देखा है तो हमें ज़रूर बताएगा कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।